बताया
प्राणी को प्रवेश करते हैं उसी को भूत कहा जाता है। बाबा इस ज्ञान मार्ग में सरलता भी चाहिए देर भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये सरलता और देर दोनों का थोड़ा अच्छा है। सरल चीज तो हो, वो बात किसी ने कही जैसे कही वैसे ही उसको स्वीकार कर लिया, क्यों क्या कैसे ये कैसे हो सकता वो कैसे हो सकता, कुछ मिलता है तो बाप को बात को स्वीकार कर लिया। सरल चित्त होना चाहिए और साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। रिजल्ट निकलने में देरी भी हो जाती है, ऐसे नहीं बुद्धि हाल डोल हो जाए। सेवा करते हैं उसका रिजल्ट नहीं निकलता है तो धैर्य छूट जाता है। आखिर तक भी अपने अंदर धैर्य धारण करना है। तो ऐसे होता है कि दूसरी आत्मा है तो इतनी जल्दी जल्दी इतना थोड़ा पुरुषार्थ कर रही है और आगे बढ़ रही है, उनका रिजल्ट आगे निकल रहा है, हम पीछे हैं। तो होल डाल हो जाए ये क्या हो रहा है, नहीं कोई के कर्म बंधन ज्यादा है कोई के कर्म बंधन कम है, तो थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। जितना चौरासी जन्म पूरा रहता है उसका कर्म बंधन भी ज्यादा रहता है, ज्यादा जन्म देने से कर्म बंधन भी ज्यादा होता है। ऑलराउंड पार्ट बजावेगा तो कर्म बंधन भी जास्ती होगा, लेकिन कोई आत्मा शांत स्वभाव की होती है, दूसरी आत्माओं को ज्यादा उद्वेग पैदा नहीं करती और दूसरी आत्माओं से ज्यादा उत्तेजित होती भी नहीं है, तो उनके कर्म बंधन भी कम बनते हैं। लास्ट पुरुषार्थी जीवन में आकर के जल्दी ही अपनी स्टेज को प्राप्त कर लेती है। शांत स्वभाव को स्वभाव जन्म के हिसाब किताब से तो स्वभाव बनता है, स्वभाव इन आत्माओं ने युग में बाप के आने के बाद लेकर के और जब तक पुरुषार्थ का रिजल्ट निकलता है तब तक फाउंडेशन से ही लेकर के अंत तक आत्मिक स्थिति का ज्यादा पुरुषार्थ किया है। उन आत्माओं का दूसरे के साथ हिसाब किताब की शूटिंग भी कम होती है, कोई आत्मा बहुत धम चक्कर मचाने वाली होती है उनका हिसाब किताब भी जास्ती बन जाता है, नंबर पीछे रह जाता है। पुरुषार्थ करके कर्म बंधन को नहीं काट सकेंगे, धर्मराज की सजाओं से कर्म बंधन काटेंगे, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है।
दो बातें कैसे हो? दो बातें नहीं है पाँच सौ करोड़ पत्ते, 700 करोड़ पत्ते हैं, एक तरह का एक तरह की आत्मा नहीं है, अनेक प्रकार की आत्मा है, अनेक प्रकार के वैरायटी पार्ट। आप कहते हैं जो जितना पापी बनेगा माना पाप कर्म करेगा उतना पंड पुण्य भी बन सकता है, तो जो जितना ज्यादा विकारी बनता है संगमयुग की बात है, संगमयुग में ज्यादा विकारी बनेगा, ये लक्ष्य लेकर के चले। ज्ञान में आने के बाद, बाप का बनने के बाद ये लक्ष्य लेकर के चले कि जितना ज्यादा विकारी बनेंगे, जितना ज्यादा पतित बनेंगे, उतना पावन बनेंगे। मुस्लिम धर्म के आत्माएं बहुत विकारी होते हैं बाबा, बहुत पवित्र बन सकते हैं, बहुत पवित्र बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं। कोई बात है, वही आत्माएं तीव्र गति से नीचे गिरने वाली होती है, स्वभाव संस्कार ही उनके अंदर ऐसे हैं, और कोई आत्माएं ऐसी होती है कि अपने को संभाल संभाल करके धीरे धीरे नीचे गिरती है। क्योंकि इब्राहिम प्रवेश करता है, वो आधारभूत 21 जन्मों के अंदर ही दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन जाती है। और फिर बार बार ऊपर से आने वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कोई आत्मा ऐसी होती है पूरा 84 का चक्र लगने के बाद अंत में जाकर के एक जन्म के लिए इतनी पतित बनती है कि सबको प्राप्त कर जाती है, बीच में उतना नहीं रखते हैं तेजी से। एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, कोई चढ़ने में बहुत तीखी, कोई उतरने में बहुत तीखी, चढ़ने में तीखी होगी तो उतरने में भी तीखी होगी। इस्लाम धर्म में आने वाली आत्मा बहुत व्यभिचारी बनती है, इसलिए नीचे गिरती है। सूर्यवंशी देवी देवता धर्म का पक्का होगा, वो बाप की याद में तीखा होने के कारण अपने को संभालता रहेगा। विचारी जाति बनने से बचा रहेगा, तो लंबे समय तक अगर कोई बचा रहे तो शेष आत्मा है, थोड़े समय में ही डाउन हो जाए तो कहेंगे कि निष्कष्ट आत्मा है। रंग का रंग जाती लगता है, कुछ आत्मा ऐसी होती है जो प्रभावित बहुत होती है दूसरों से, कोई ऐसी होती है दूसरों से प्रभावित होती ही नहीं, जैसे एक की आंख लगी हुई है। अंतर पड़ जाता है, बाबा ये 30 मिनट का एडवर्टाइजमेंट तो कैसा अखबार में निकलना होगा।
ये शक्ति ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट अखबार में निकलो करते बोलते हैं शक्ति ज्ञान का वो कैसा प्रभावित हो सकते अखबार में डालने से प्रभावित होते हैं वो कैसा डालने अखबार में भी वो ही डाल सकेगा जिसकी बुद्धि में पहले खुद बात बैठी हुई हो लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा मैटर तैयार करके दिखाए मनन चिंतन मंथन करके लेकिन लोग प्रभावित नहीं है सीधा सीधा अभी तक कहते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है लेकिन जो कहने वाले हैं समझाने वाले हैं वो खुद ये नहीं समझा सकते कि शिव ज्योति बिंदु कैसे गीता का भगवान होगा गीता ज्ञान कैसे सुनाएगा जो बात अपने को ही क्लियर नहीं है वो बात दूसरों को कैसे क्लियर करेगा बाबा इसके अंदर उनके जो आधार मूल्य है और बीज रूप है इसमें आधार मूल्य तो कन्वर्ट हो जाता है आधार मूल की तो कन्वर्ट हो जाता है अरे जो भी तो ज्यादा व्यभिचारी कौन बनता है कन्वर्ट होते हैं वो ही जाती व्यभिचारी बनते हैं सिर्फ बीज रूप आत्मा ये ज्यादा पतित बोलते हैं ना बाबा बीज रूप आत्माएं जो है वो अंत में जाकर के पतित बनती है आखिरी जन्म में बीज के जन्मों में नहीं बनते उतनी नहीं इतना और धर्म के आधार मूल बनते हैं उनका मन बुद्धि जैसी बिगड़ जाता है बीज में शक्ति रहती है एकाग्रता की वो कन्वर्ट भी होते हैं तो जन्म लेकर कन्वर्ट होते हैं ऐसे नहीं कि उसी जन्म में जन्म लिया उसी जन्म में कन्वर्ट हो गए उसको कहते हैं प्रभावित होना तो बीज रूप आत्मा ही जैसा भी जल्दी उतरेगा और चलेगा भी जल्दी सारी दुनिया का एक बीज है क्या वो द्वापर के आदि में नीचे उतर जाता है सारी दुनिया का जो एक मुख्य बीज है क्या वो द्वापर के आदि में जल्दी नीचे उतर जाता है नहीं उतरता जल्दी तो नहीं उतरता फिर भी क्योंकि उसमें व्यभिचारी व्यक्ति के वो बीज नहीं है एकाग्रता का बीज है वो एकाग्रता का बीज होने की वजह से द्वापर के आज में नीचे करने का सवाल ही नहीं है वो आत्मा जन्म जन्मांतर मनन चिंतन मंथन में रहती है इसलिए मुझे बोला है जो शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र बनाते हैं समय उनके पाप नहीं बनते हैं पाप कर्म करने से बच जाते हैं फिर वही आत्मा के लिए पहला क्षत्रिय वही पहला शूद्र वैश्य वही ऐसा करते हैं पहला उतरा ना पहला हो लेकिन 100% शूद्र तो हो बीज डाल दिया मतलब उन जो भी शुरू में है उन सबसे ग्रेट ऐसा कर हाँ जी संबतन तक एरोप्लेन पहुंचते ही नहीं
जहाँ आत्मा की पहुँच है वहाँ स्थूल चीजों की पहुँच नहीं है, पांच तत्वों से परे है। एरोप्लेन तो पांच तत्वों की चीज है। तो उस संगठन में काम करना है तो संगठन कहाँ हुआ जब सबके अलग अलग संकल्प है? कौन सी संकल्प है? कोई भी एक संकल्प हो जो श्रेष्ठ संकल्प अनुकूल है वो संकल्प में स्थिर होकर के जब संगठित रूप में बैठेंगे तो एक ही वाइब्रेशन बनेगा। मैंने उस समय के अनुसार अलग अलग है, जैसे अभी बोला है कि विजयमाला का आह्वान करो, तो जिस समय बोला है और वो विजयमाला का आह्वान का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो वो श्रेष्ठ संकल्प है। मैंने हर समय कभी भी संगठन में बैठेंगे तो विजयमाला आह्वान करने के लिए ही सभी संभव बना है। ये नहीं बताया कि ये ही कार्य हो सकता है, अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, उनका मन ही नहीं लगेगा उसमें। जो सूर्यवंशी पक्के होंगे, जन्म जन्मांतर के होंगे, उनकी ही उसमें लागत लगेगी, औरों की दिल ही नहीं होगी। क्योंकि एक लोग थोड़े लोग एक प्रकार के संकल्प थोड़े लोग अपना संकल्प इस संगठन सबसे पैसा हो जाएगा। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं करेगा। विकारी आत्माएं जब तक संगठन में घुसी हुई है तब तक एक संकल्प बन ही नहीं सकता। वो फिल्टर होना जरूरी है, तो फिल्टर हो रहा है। आत्माओं का संगठन तैयार हो रहा है, तब उनके संकल्प भी एक जैसे चलेंगे। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस सबसे बड़ी प्रैक्टिस है आत्म की स्थिति। देह बांध न आने पाए तो मैं आत्मा ज्योतिष मेरा बाप पालन से परमात्मा ज्योतिष ये है। तो हर धर्म के हर धर्म की जो लोग हैं उन लोग भी कर पाएंगे ना, क्योंकि मेरा काम मान है तो उन लोगों की कहीं कोई चीज नहीं होता है। हर धर्म की आत्मा सिर्फ ज्योति बिंदु को मानती है, हमें साकार में निराकार की बात है। हर धर्म की आत्मा साकार में निराकार को नहीं मानती। वो साकार को पहचान लें तो ज्ञान की गहराई को जान लें। मैं जो हूँ जैसा हूँ इस रूप में पाठ बजाए रहा हूँ इसी में तो सारा रोला है। मनुष्य बुद्धि बन जाते हैं तो कैसा निश्चित होने के लिए संगठन तो हो रहे हार कर रहे हो हार क्लास में बैठे क्या करना क्या करना आत्म की स्थिति में सबसे पहले रहना। बाद में क्यों होगा वो फाउंडेशन के अनुसार स्वतः ही फिल्टर हो जाएगा। मतलब पुरुषार्थ में और सेवा में धैर्य और हिम्मत बढ़ने के लिए क्या सेवा करते हैं, सेवा का रिजल्ट नहीं निकलता है तो कोई जिनमें धैर्य नहीं होता है वो सेवा छोड़ देते हैं। इनमें धैर्य है, निश्चय बुद्धि है, वो धैर्य को नहीं छोड़ते। जानते हैं कि बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों का जो भी कदम उठता है वो व्यर्थ नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल जो भी बीज बोया है उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। लगनशील होता है आज से अंत तक लगा रहता है उस लगन का मीठा फल निकलता है।
तीसरे जन्म का अभ्यास है, जिनका तीसरे जन्म का अभ्यास है उस अभ्यास को एकदम तोड़वाया नहीं जा सकता, खटीली पे आम नहीं उगाया जा सकता। इसलिए पहले रिकॉर्ड बजाने की प्रथा चली, गीत बजाते थे बाबा की याद में बैठने के लिए, आधार लेते थे। लेकिन असली बात तो यह है कि ओरिजिनल याद वो है जिसमें बाहर के किसी भी आधार की जरूरत न हो, संगीत भी न चले, अथवा रेलवे स्टेशन जैसा भगदड़ जैसा वातावरण हो। उस वातावरण में होते हुए भी दूसरे का योग लगा रहे, चाहे गीत जोर जोर से बजे, चाहे धीरे धीरे बजे, चाहे ट्यून बजे, चाहे संगीत बजे, बजे बजे ना बजे, जिनका लगाव लगा होगा प्रैक्टिकल जीवन में एक के साथ, तब स्वाहा हुआ होगा एक के प्रति, धन स्वाहा हुआ होगा एक के प्रति, समय संपर्की और संबंधी एक के प्रति स्वाहा हुए होंगे, उसकी ऑटोमेटिक लागत उस तरफ लग जाएगी। कौन सा आवाज? म्यूजिक आवाज। जिनकी लगन लग चुकी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कान सहन करने पा रहे, जो कान सहन नहीं करने पा रहे उनका लागत ज्यादा है देवान की बातों में। आगे चल के एटम पंप फटेंगे, भारी भारी आवाज। अभी तो जब दीपावली होती है तो छोटी छोटी बम्बियां फटती है, फटाफट 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 लोग परेशान हो जाते हैं। जब बड़े बड़े फटेंगे और चारों तरफ आवाज होगा उस समय एकाग्र होने वाले हो के एकाग्र होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो एकाग्र होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो एकाग्र कैसे हो पाए। वो तो ऑटोमेटिक हरेक का अपने आप स्वतः ही मिलता रहता है। कोई होते हैं शांत वातावरण में रह करके भी दम चक्कर मचाते रहते हैं, खुद भी दुखी होते रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। समझ लेना चाहिए कि जब आने वाला ऐसा वातावरण होगा तो उसमें वो कितने टिकेंगे, हाँ हो जाएंगे। जो भी बच्चे जाते हैं ये बात बाबा के अलावा किसी को पता नहीं चलता, जो भी संगठन संगठन में जाते हैं बच्चे, बाबा ही संगठन में अकेला। अभी जो नई का सौरभ जी वही वही उसमें अकेला बाबा ही है क्या जो उसी को पता चलता है? जो भी बच्चे जाते हैं वो दूसरे बच्चे को पता नहीं चलता, संगठन ही कहेगा। संगठन का मतलब ये है कि आपस में ऐसी सहमति बनी हुई है कि जिन आत्माओं को संगठित होना है और जो उसकी अहर्ताएं हैं जिसमें जिसमें होंगी उन्हीं को संगठित होना है। जो उन योग्यताओं से पसार होते जाएंगे वो भी ऐड होते जाएंगे। आप
आखिरी तो 4.5 लाख को ऐड होना ही है। अब कोई कहे कि ये 4.5 लाख ही क्यों, इन्हीं को क्यों पता है? दुनिया में तो 500 करोड़ आबादी है, उनको पता क्यों नहीं? क्योंकि 4.5 लाख की बुद्धि में बैठ जाएगा कि हम रूहानी बच्चे हैं और हमारा रूहानी बाप है। और भी रूहे हैं, लेकिन वो बाप के पक्के रूहानी बच्चे नहीं है, तिरक जाते हैं। औरों को बाप बना के बैठ जाते हैं। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे करते हैं, जो भी बच्चे बनते हैं साकार द्वारा वर्षा पाते हैं साकार द्वारा। फिर रूहानी बाप से सालू कैसा लगता है? बाबा तो बोलता है आत्मा तो बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। हुँ? आत्मा उनको रचे रचा नहीं जाता। तो आत्मा रची नहीं जाती है, लेकिन आत्मा देवान में और आत्मा आत्माभिमान में टिक तो सकती है। आत्मा चाहे तो देह अभिमानी बन जाए, जिस्मानी बन जाए, और आत्मा को साथ करे तो रूहानी बन जाए। वो ठीक है, बात तो वो नहीं है। रूहानी बात से माना डायरेक्ट शिव पिता से आत्मा का कनेक्शन क्या होता है? ज्ञान लेता भी साकार द्वारा और वर्षा भी, तो किस हिसाब से पिता कर सकते हैं? ये तो पहचान की बात है ना, उनकी बुद्धि में झट बुद्धि में बैठ जाता है कि हम देह नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। और कोई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और उनकी अभी भी समस्या है, कहते हम बिंदी कैसे बने, बिंदी को कैसे याद करें? इसका क्या है? बनी बनाई बन रही, अब कैसे बन मिल जाए? कोई की ज्ञान सुनते सुनते ही 20 रुपए स्टेज बनने लगती है, फाउंडेशन पक्का होने लगता है। और कोई का उसमें संशय पैदा हो जाता है सुनते सुनते। जो बाबा कहते हैं कि जो हमारे कुल का होगा थोड़ा भी सुनेगा तो जाए दूसरी से कैच कर लेगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज उसको टिक टिक करते रहो, वो अपोजिशन करता रहेगा। तो ज्ञान से सीखा जा सकेंगे या याद से सीखा जा? ज्ञान माने जानकारी, जानकारी जब तक न हो, पहचान जब तक न हो तो याद कैसे आएगी? जानकारी भी असलियत है। सत्य क्या है? इसलिए शास्त्रों में कहा सत्यस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, सत्य का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। महाजनेनीयेन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उस गुफा में सत्य के तत्व को ढूंढने के लिए वो ही रास्ता है। भक्ति मारू में रास्ता बना दिया, वो अमरनाथ की गुफा बना दी, उसमें शिवलिंग हो गया और वहां की यात्रा कर रहे हैं। ये सत्य से तत्तम हो गया गुफा में छुपा हुआ। जो जो जितनी जितनी यात्राएं करते हैं वो महान पुरुष हो गए। जैसे मुसलमानों में समझते हैं जो हज की यात्रा कर आते हैं वो हाजी सबसे ऊंचे हैं, उनको बहुत मान देते हैं। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
वास्तव में परमात्मा बाप आकर के जो गुह्यता की ज्ञान की बातें बताते हैं, उस गुह्यता के आधार पर जो नंबरवार सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनमें से जो 100% सच्ची आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा बाप अपना मुकर्र रथ बना लेता है। उसको पहचानना ये सत्य के तत्व को स्वीकार करना और जानना, और वो भी स्थायी रूप में। तो आत्मा ये वो सिद्ध नहीं बन पाएंगे तब तक, जब तक नहीं पहचाने। जितना पहचानती है उतना स्टेजी बनती है। दूसरों के कहने के आधार पर, जिसको कहते हैं माया या मायावी पुरुष, उन मायावियों के चक्कर में आने से बुद्धि विकृत हो जाती है, तो भी अनुभव करती है जमनी के गिर रहे हैं। ये बोला है संग उसका करना चाहिए जिसका संग करने से अवस्था उनकी उड़ती हो, जिसका संग करने से अवस्था नीचे आ जाए, मन दुखी हो जाए, उनका संग नहीं करना चाहिए, झूठा संग है। तो माता एडवांस को सुनने का बल भी, ये एडवांस इधर भी आती है उधर भी जाती है, गेट सिखा भी जाते हैं, उसका तो कुछ क्या होगा? निश्चय बुद्धि नहीं बनी है, इधर की बात है उधर जाके बताती है, इसलिए बताती है कि ये बहने जाकर के वहाँ लड़ाई लड़े और फैसला करें कि राइट क्या है राम क्या है, कि अपनी बुद्धि में इतनी निर्णय शक्ति नहीं है कि फैसला कर पाए कि हम एक पाला में रहेंगे। चित्र बनाया तीन लोगों का चित्र बनाया ना, तो बाबा ने जो पहले बनाया था तो उसमें तो ऊपर शंकर को दे बैठाया, शंकर को सूक्ष्म मतलब में ऊपर बैठाया तबके में। अभी तो जो इन्होंने बनाया है नया चित्र बनाया है उसमें शंकर को ले जाकर के ब्रह्मा को ऊपर बैठाया। अभी आजकल बाबा ने बहुत प्यार कह दे रहा है उसके बारे में, तो सुन के वैसे बनाया होगा तो क्या बना ये है। ब्रह्मा ही शंकर बनता है, ब्रह्मा ही दाढ़ी मूछ वाला भिखारी बनता है, ब्रह्मा ही ऊंची स्टेज में जाकर के शंकर बनता है। आत्मा तीनों ही पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का भी पाठ बजाती है, पालना का भी पाठ विष्णु का बजाती है, और विनाशकारी पाठ शंकर का भी बजाती है। हर आत्मा की ये तीन पाठ, इसलिए ब्रह्मा की सोल भी तीसरे स्टेज में तीसरे तबके में पहुंच गई। ऐसे बाबा ने बहुत कार्य के लिए राष्ट्र दे रहा है ना, वो उनके बारे में उनके पास बहुत कहते गुरुराम के जो अधिकता है वो ब्रह्मा है, वो चित्रों में भी चेंज नहीं होने देगा, लिटरेचर में भी चेंज नहीं होने देगा। आज सनातन धर्म की जो भी परंपराएं हैं विधर्मियों ने आकर के बिगाड़ दी, उनके संग के रंग में आकर के हम अपनी परंपराओं को भूल गए, तो एसिक में जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं घुसी हुई है वो चेंज करती चली जा रही है मूल ज्ञान चेंज करते करते इतना चेंज कर देंगी कि बिल्कुल उल्टा कर देंगी।
अभी बेसिक में जाके देखें सारी परंपराएं भक्ति मार्ग की ही चलेंगी। एडवांस में धीरे धीरे भक्ति मार्ग उड़ता जा रहा है, भक्ति मार्ग की परंपराएं दूसरी में से उड़ती जा रही है। हाँ, दूसरे धर्म के जो बीज होंगे, निचले धर्म के बीज होंगे, उनकी अलग बात है, लेकिन जो ओरिजिनल है सूर्यवंशी, उनमें तो भक्ति मार्ग का अंश मात्र भी खलास होता चला जाएगा। बाबा ने मुरली बताया शक्ति को एडवर्टाइजमेंट करना है, झूठ की दुनिया हो गई है, सारे ही मार्केट में झूठे ही रे बिक रहे हैं, और एक सच्चे हीरों का व्यापारी एक छोटी सी दुकान में सच्चे हीरे बेच रहा है, तब क्या समझेंगे? हैं? ये भी झूठे हीरे बेच रहा होगा, इमिटेशन बेच रहा होगा, थोड़ा उसको पहचान देनी पड़े लोगों कि सच्चे की ये पहचान है और झूठे की ये पहचान है, वो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। संसार में सत्य की स्थापना करनी है तो सत्य बातों को दुनिया के सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो सत्य स्थापन नहीं हो सकता और झूठा गायब नहीं हो सकता। हर आत्मा को अपनी सत्व प्रधान स्थिति ज्यादा प्रिय है, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो तमो प्रधान स्टेज को पसंद करती हो। सत्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन सत्य को प्रख्यात करने के लिए सत्य की पहचान देनी ही पड़ती है। जब ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा माना संपूर्ण, जब विष्णु पद जाता है संपूर्ण हो गया, माना ज्ञान चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सूक्ष्म में विष्णु बन जाता है, ऊपर वाले जड़ चंद्रमा भी खलास होता है, खलास होता है, वो अस्तित्व को बोलो, वो अस्तित्व इधर आकर के प्रसाद मार्ग सागर में समा जाता है। सब में लीन होना माना समा जाना, तू ही तू, मेरा अलग से कुछ नहीं, तो कहते हैं बूंद सागर में समा गई। चंद्रमा की सोल बुद्धि रूपी पेट में समाई रही है, जब पूरी ही समा जाएगी तो इस स्थूल पेट से जन्म ले लेगी। प्रैक्टिकल रूप से सूर्यवंशी बन जाएगा,
चंद्रमा थोड़ी कहा जाएगा। योगी भी कान कान छोड़ सकते हैं या निद्रा जीत बन सकते हैं, हम क्यों नहीं निद्रा जीत बन सकते हैं? गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। सुई का दान करें और फिर कहें हमें लक्ष्मी नारायण पद मिलने वाला है, ऐसे होगा? इतनी झलक चाहिए पुरुषार्थ के लिए। हठयोगी तो हठयोग करते हैं, हठयोग के आधार पर अपने को दिखाते हैं कि हम निद्राजीत बने हैं, बनता कोई नहीं है। संसार के सामने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं कि हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलनी शक्ति जागृत किसी की नहीं होती है, कोई ऊंट रेता नहीं बनता। उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया है हठयोग का, वो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं। निद्रा को जीत लेना, थकान को जीत लेना, मैंने आत्मा को सुखदान बना लिया। सात्व का आत्मा से शक्ति नहीं है, तामसी आत्मा विकारी होती है, थकान महसूस होती है, टाइम लगता है। कितना टाइम लग जाता है? निद्राजीत बनने में या आत्माभिमानी बनने में कितना टाइम लग जाता है? एक सेकंड की बात तो वो तब की रही जबकि पूरी पहचान हो गई। यकी की आज से वो आत्माएं आई हुई है, जो आज में ही रूहानी स्टेज को पकड़ा है, कभी छोड़ करके चली गई, अभी फिर एडवांस में यज्ञ में आ रही है और अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगी नंबर वार पुरुषार्थ। इतना लंबा टाइम लगता है। मूल बात है सब से बुलाने की, जितना लगन से सेवा करता है वो लगन उसका उमंग उत्साह बढ़ा देती है। यह भावना की भाषा में ये कहें कि बाप उन बच्चों को बहुत पसंद करता है, बहुत याद करता है। इन बच्चों को बाप याद करेगा उनको कितनी ताकत मिलेगी? बाप के वाइब्रेशन और कहां बच्चों के वाइब्रेशन, जमीन आसमान का अंतर है।
उनके गले अंकल के गले पर गाय अंकल का पास है अंकल का पास और गाय है शिवलिंग ऊपर के साथ बैल दिखाया जाता या कृष्ण के साथ गाय दिखाई जाती है हाँ जी कथा और कृष्ण की कथा और तीसरा नेत्र खुलने की कथा को तीसरी का नाम दे दिया तीसरी की कथा कन्याएं बहुत करती है कन्याकुमारी से संबंधित बात है तीसरा ज्ञान का नेत्र जब उसका खुलता है तो सारा कार्य संपन्न हो जाता है वो तीसरा नेत्र खुलने से शंकर का प्रवृत्ति मार्ग भी संपन्न हो जाता है तीसरी मूर्ति है आखिरी मूर्ति आखिरी मूर्ति जब सक्रिय हो जाती है तो स्वयं सिद्ध सबका सारे काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं श्री तीसरे नेत्र की जो कथा है कन्याएं ज्यादा करती और सत्यनारायण की कथा व्यक्तियों में जाती होती है घर घर में होती है अमरनाथ की कथा के लिए कहते हैं अमरनाथ पार्वती को कथा हुए लेकिन अमरनाथ ने जो कथा सुनाई वो पार्वती के पल्ले नहीं पड़ी पार्वती सो गई अब कबूतर गुटरों की आवाज कर रहे थे तो शंकर जी ने समझा पार्वती हूँ कर रही है हमारी बात को ध्यान से सुन रही है वास्तव में उस कथा को ध्यान से सुन लिया तोता बुद्धि पैरेट
उनको ज्ञान की कंठी दिखाई जाती। ये बाबा कहते हैं कन्याएं माता में बैठ करके ज्ञान सुनाए, उनके मुख से ज्ञान सुनना ज्यादा अच्छी बात है, और पुरुष बैठ करके ज्ञान सुनाए तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर पार्वती को ज्ञान कहीं से तो मिलेगा, एक होता है प्रैक्टिकल जीवन और एक होता है सिर्फ बाचा का बोल बोल का जीवन। पार्वती है प्रैक्टिकल जीवन की बात और शंकर जी का प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। प्रैक्टिकल काम को संपन्न नहीं कर पाती दूसरी मूर्ति। जो प्रैक्टिकल स्टेज पर होते हैं बोल बोल करने वालों का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसलिए वो कथा सुनाते रहे और वो सोते रहे। किसने कोर्स दिया? अभी तो किसी ने कोर्स नहीं दिया। और सारी ब्रह्मा कुमारियां सुन रही हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है उनके ऊपर। आराम से अज्ञान नींद में सो रहे हैं। पार्वत के कौन कोर्स करेंगे? पार्वत के कौन कोर्स करेंगे? धारणाओं में श्रेष्ठ होगी सूर्यवंशी आत्मा, वो ही करेंगे। जैसे गंगा है, गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती है तब तक जब तक वाराणसी में पहुंच करके वरुणा नदी से न मिले। जैसे ही वरुणा नदी से मिलती है वैसे ही गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर देती है। तो हर एक आत्मा के उत्थान का कोई न कोई निमित्त होता है, वो निमित्त जाके उससे मिलता है तो उसका उत्थान हो जाता है। हर आत्मा के उत्थान का कोई न कोई निमित्त बनता है, पतन का भी कोई न कोई निमित्त बनता है। भारतवासियों के पतन के निमित्त कौन बन गए? विदेशी। उनके उत्थान का निमित्त कौन बनता है? तो सदैव स्थिति में स्थित रहने वाला तो मिनी मॉल का पक्का आह्वान करने वाली जो मुझे पहले बेहद दूध दूध में जाके मिलता है, कीच कीच में जाके मिलती है। ऐसे ही लास्ट में सूर्यवंशी सूर्यवंशियों में जाके मिल जाएंगे, चंद्रवंशी चंद्रवंशियों में जाके मिल जाएंगे, इस्लाम वंशी इस्लाम वंशियों में जाके मिल जाएंगे।
मतलब वहीं जाकर के आराम महसूस होगा। फिर नंबर वार फिर हो जाएंगे बात। नारायण के द्वारा मंथन होता है लेकिन देने वाला नहीं है, डायरेक्ट देने के लिए निमित्त कोई और बनता है। पहले अपने अपने धर्म के ग्रुप बनते हैं, बाद में जाके विजय मलन आ रहा। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में माला का संगठन एक हो जाएगा। कौन सा पावरफुल संगठन पहले तैयार हुआ? पहले तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप में भी प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ना है नई दुनिया का। प्रभावित होती है। माँ का मोह छोटे बच्चे में जाती होता है या बड़ों में जाती होता है? छोटे में और ही जाती होता है। जो और धर्मवंशी बच्चे हैं वो सब माँ को प्रभावित करने वाले हैं। दिल्ली की राजधानी में सबने राज किया, दिल्ली की गोद में सबने पालना ली है। नास्तिक से भी प्रभावित हो जाता है। अभी तक इंडिया सबसे जास्ती सहयोग कौन से धर्म से, कौन से धर्म खंड से ले रही है? आप अमेरिका से पैसा बचा थे। लौकिक में मृत्यु अकाल मृत्यु दो प्रकार बताए ना। देह में तो मृत्यु मालूम है, ज्ञान में चलते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, जिससे बुद्धि हो जाते हैं, तो बेसिक नॉलेज से उनकी बुद्धि हट जाती है। माने बेसिक वालों की तरफ से मर गए और कहां जन्म ले लिया? एडवांस वालों में जन्म ले लिया। तो यहाँ अकाली मौत भी होती है। अचानक ज्ञान में चलते चलते कहां कहां हो गए कुछ पता ही नहीं चलता। खत्म हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। जो जन्म
नाम है चित्रग्रीव चित्रगुप्त गुप्त रूप में उसके पास सारा पोता भी पहुंच जाता है। यहाँ हम संकल्प करते हैं और संकल्प करते ही वो दुष्ट संकल्प उसके पास पहुंच जाता है। कर्म करने की तो बात ही अलग। क्या क्या हो सकता है उस वालों हनुमान क्यों लगाना हनुमान माना पॉजिटिव है नहीं या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप दिव्य दृष्टि के चावे बच्चे को यही देते हैं ना क्या बाबा लेकिन मिस यूज करेंगे बुद्धियों की चाबी देते हैं। बुद्धि का ताला खोलो तो चाबी दे दी चाहे चित्रों को बुद्धि का ताला खोल दे जाओ बुद्धि का ताला खोलने की चाबी मेहनत लगती है। दिव्य दृष्टि की चाबी ऐसी है जिसमें मेहनत नहीं है। आपसे साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो चंद्रवंश का प्रसिद्ध हो रहे बाद में फर्स्ट डायनेस्टी में नारायण कैसे होता था एकदम सूर्य वंश का साकार में जाकर के सूर्य से मत हो जाते हैं तो जन्म सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट है के सामने अपने को झुकाना पड़े झुक जाते हैं तो वही सूर्यवंशी बन जाते जैसे कन्या की सगाई होती है तो जिस परिवार में जाती है वहां झुक करके रहती है तो सूर्यवंशी की कही जाती है। संत वासवाणी कौन है जो वाणी में ये मुरली में उनका नाम आता है संत वासवाणी वासवाणी संत उनका नाम ये मुरली में है आया है वो कौन है उनका बेहद कर चुका है साधु वासवाणी साधु वासवाणी बेहद में उनका पाठ क्या है वो क्या कौन सा है बेहद में विवेकानंद का पाठ क्या है बेहद में गांधी जी का पाठ क्या है बेहद में वासवाणी का पाठ क्या है तो जितने भी पाठधारी है दुनिया के प्रसिद्ध प्रसिद्ध उन सब के जो सूक्ष्म रूप है वो बीज रूप आत्माओं में और आधार रूप आत्माओं में बैठे हुए जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बीज रूप वासवाणी कौन है आधार मूर्त वासवाणी कौन है और परम धाम से डायरेक्ट आने वाली वासवाणी आत्मा कौन है
बाकी बाबा कोई कागज पे या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे। कर्नाटक वाला नाटक करने वाला कैसा जी, इसका अर्थ बुरा अर्थ क्या है? ये नाटक सिर्फ नाटक करने वाला और जो हो तो क्या विशेषता होता है इसमें? बाबा मुरली नगर है, कर्नाटक वाला नाटक करने वाला नाटक तो क्या, इसका बुरा अर्थ क्या? कर्नाटक वाले विदेशी है कि स्वदेशी है? विदेशी है, विदेशी है, विदेशी है। अच्छा भारत है, भारत का विदेश, जो भारत का विदेश है उन विदेशियों के बीच में अव्वल नंबर विदेशी का पाठ बजाने वाला कौन है? माता के लिए भी नहीं बोला उतना, बोला है बाप के लिए। बाप इस समय विदेशी बन करके आया हुआ है, इसलिए अगत वाले में बोला है कर्नाटक जोन को टीचर बहुत अच्छा मिला हुआ है। टीचर की जो जोड़ी मिली है कर्नाटक जोन को वो बहुत अच्छी जोड़ी मिली हुई है। नाटक करने वालों में प्रसिद्ध है, नाटक होता है उसमें जो अच्छे से अच्छे पात्रधारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हीरो हीरो हीरोइन कहा जाता है। रोजमर्रे की बात करने भी कहते हैं ये नाटकवादी बहुत अच्छी कर लेता है। तो ऐसे ही माता पिता का पार्ट है जगत पिता और जगत अम्बा का। नाटक तो वजनाटी नहीं होता है ना, नाटक है तो वजनाटी नहीं होता है ना, इसलिए वजनाटी न होने की वजह से तो बच्चे भूल जाते हैं। नहीं तो जान पाते शंकर का पार्ट ऐसा बंदर बोले है तो तुम बच्चे भी समझ न सकते। जगदम्बा का पार्ट भी फिर कम बंदर बोले क्या? बहुत बंदर बोल रहे भैया, ढोलेगी मिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसका मतलब बच्चों को संशय आता है कि नैया डूबी की डूबी अब नहीं बच सकती, फिर भी वो सब नाटकबाजी है। अंदरूनी बात कुछ और बाहर से कुछ। जब टाइम आएगा तो असली चेहरा बाहर आए और नकली सूरत छुपी रहे। कर्नाटक को मानस सरोवर भी कहा गया है, जहाँ हंसों का वास होता है, सौ बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहता है उसको हंस कहा जाता है। उत्तर भारत में मानसरोवर झील बहुत ऊंचाई से दिखाई गई है पहाड़ों पर, का मतलब बहुत ऊंची आत्माओं का संगठन है। उत्तर भारत में कर्नाटक कर्नाटक में तो दक्षिण गंगा भी दिखा दी है। जो जो बातें उत्तर भारत में वो सारी नीचे दिखाई हुई है। थर्टी सिक्स से पहले वाणी सेवा और दुनिया में, लेकिन दुनिया में बाबा का संदेश नहीं पहुंचा। 36 में
जब बाबा ही नहीं आया है तो संदेश कहाँ से पहुँचे? दोबारा फिर पढ़ लेना, फिर बता।